हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आज बताती हूँ आप लोगों को कि मैं सदर बाज़ार क्यों गई थी। मैं सदर बाज़ार दुकान की शॉपिंग के लिए गई थी, जो मैं एक नई कॉस्मेटिक शॉप ओपन कर रही हूँ उसके लिए गई थी। वहाँ से सामान लाना था, ख़रीदना था, इसलिए गई थी सदर बाज़ार। और आज मेरी दुकान का ओपनिंग है, तो ये रहा मेरा दुकान। और अभी यहाँ पे पूजा होगा, पंडित जी का वेट किया जा रहा है, सभी लोग आ गए हैं और पंडित जी का आना बाकी है। और ये देखिए मेरा दुकान है। अभी सामान अच्छे से डेकोरेट करके नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम थे, तो अभी सामान सबको जैसे तैसे ही सेट किया हुआ है। ये रही मेरी मम्मी। तो पंडित जी आ गए हैं, हम लोग पूजा पे भी बैठ गए हैं, पूजा करवा रहे हैं पंडित जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ब्रह्मध्वजा मंगलम पुनरीकाक्ष मंगलायै तनो हरि त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमे बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यार्थिनं त्वमेव त्वमेव सर्वं महापालम। तो मैंने मम्मी को इसलिए बुलाया था कि मुझे दुकान ओपन करना था और मार्केटिंग करनी थी। दीदी को लेके मैं नहीं कर पाती, क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पाते सदर बाज़ार में, उसको लेके जाना नहीं मार्केटिंग कर पाते, इसलिए मैंने बोला कि आ जाओ मम्मी, दुकान का ओपनिंग भी है और मार्केटिंग भी करना है। तो इसीलिए मेरी मम्मी आई हुई थी, और मेरी बहन पास में ही रहती है तो वो भी आ गई थी। तो ये होता है कि थोड़ा फैमिली और मम्मी का सपोर्ट मिल जाता है तो कोई भी काम अच्छे से हो जाता है। तो सब कुछ अच्छे से हो गया, मार्केटिंग भी कर लिया, पूजा यहाँ पर हो ही रही है, अब दुकान का सामान वामान सेट करना है तो वो भी हो जाएगा।